कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने वाटर स्ट्रेस का जो एक क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे ड्राउट स्ट्रेस, उसके पार्ट टू से हम स्टार्ट करेंगे। वाटर स्ट्रेस के बारे में आप उसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ उसकी, डेफिनेशन वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें आप उसमें डिस्कस कर चुके हो मेरे साथ। नेक्स्ट उसमें ड्राउट क्या थी, उसकी डेफिनेशन, एग्रीकल्चरल डेफिनेशन क्या थी, काजेस उसके कौन कौन से थे, एटमॉस्फेरिक फैक्टर थे, सॉइल फैक्टर थे, कुछ सिम्टम्स हमने डिस्कस किए थे कौन कौन से टाइप के सिम्टम्स हैं, ड्राउट के इफेक्ट्स हम पढ़ रहे थे जिसमें हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पढ़ चुके थे, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फैक्टर भी हो चुके थे, और साथ ही हमने लास्टली एंड किया था प्लांट वाटर रिलेशनशिप पे। आज हमने फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करना है, रेस्पायरेशन, मिनरल न्यूट्रिशन को और हार्मोनल बैलेंस को, ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। सो ड्राउट के इफेक्ट में हमारे पास कुछ चीज़ें पहले और भी मिल चुके हैं, स्ट्रेट टू द पॉइंट आते हैं अपने आज के, कि आज हमने स्टार्ट करना है ड्राउट इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस किस तरह इफेक्ट होती है ड्यूरिंग ड्राउट स्ट्रेस, ये आज हम हमारे छोटे से पोर्शन में पहले ही सबसे पहले ये आएगा। तो फोटोसिंथेसिस पे किस तरह इम्पेक्ट हो सकता है, सबसे पहले है कि जब भी ड्राउट स्ट्रेस आती है तो वो अपने साथ बहुत सारे चेंजेस लेके आती है, जिनमें हम पहले डिस्कस किया था हमने, मॉर्फोलॉजिकल हैं, एनाटॉमिकल हैं, तो सिमिलरली वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस की तरफ भी लेके जाते हैं, यानी कि उनमें फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में से एक फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस है उसके ऊपर भी एक इम्पेक्ट आता है इसका, उसमें या तो वो रिड्यूस हो जाता है या बिल्कुल ही स्टॉप हो जाता है। तो मेन इफेक्ट हायर प्लांट्स पे इसका दो तरह का आएगा, या तो बिल्कुल या रिडक्शन की तरफ जाएगा अगर माइल्ड ड्राउट स्ट्रेस है, अगर सीवियर ड्राउट स्ट्रेस है और टेम्परेचर भी हाई है तो वो इनहिबिशन की तरफ जा सकता है। उसमें आगे हम पढ़ेंगे कुछ फैक्टर्स हैं फोटोसिंथेसिस को ड्यूरिंग ड्राउट स्ट्रेस, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस के अंदर चेंजेस लेके आते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं या इनहिबिट करते हैं। उसमें पहला फैक्टर है लीफ फैक्टर्स है, ड्यूरिंग ड्राउट स्ट्रेस जो लीफ का एक्सपेंशन रेट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, कर्लिंग स्टार्ट हो जाती है, इनवर्ड कर्लिंग, लीव्स अपने एक ट्रिगर प्रेशर को जब लूज़ करते हैं तो उनकी लूप ड्रूपिंग स्टार्ट हो जाती है या इनवर्ड वो कर्व होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनका एक्सपेंशन रेट कम होता है। जब एक्सपेंशन रेट कम होगा तो उसका उसका सरफेस एरिया, लीफ का सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो लो सरफेस एरिया मींस जो लीफ है वो लेस कैप्चर कर पाएगा लाइट एनर्जी को, जब लाइट एनर्जी बहुत कम उस पर कैप्चर होगी तो फोटोसिंथेटिक रेट डायरेक्टली फर्स्ट एक स्टेप में रुकेगा। ये अर्ली रिस्पॉन्स है ड्राउट का, कि लीफ फैक्टर्स में से लीफ का जो उसके ऑलरेडी डेवलप हुए लीव्स हैं उनका सरफेस एरिया कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसके की लाइट कैप्चर कैपेसिटी कम होगी और वो फोटोसिंथेसिस कम करेगी। और साथ ही जो जब वो कर्लिंग स्टार्ट करेगा तो साथ ही उसके स्टोमेटा क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, वो अपने स्टोमेटा को क्लोज करते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन रुके। जब ट्रांसपायरेशन को चेक करते हैं, रोकते हैं वाटर लॉस को से बचने के लिए, तो उसका इम्पैक्ट लीफ के टेम्परेचर पे आता है, लीफ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, लीफ का टेम्परेचर बढ़ता है तो ओवरऑल कैनोपी का टेम्परेचर बढ़ता है। जब प्लांट की कैनोपी में टेम्परेचर राइज करता है तो ये इंक्रीज टेम्परेचर इम्पेयर्ड फोटोसिंथेटिक मशीनरी की तरफ लेके जाता है, यानी कि इनएफिशेंट फोटोसिंथेटिक मशीनरी होती है जो अपने प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है वो लो एक नॉर्मल टेम्परेचर रिजीम्स के अंदर वो अपनी एफिशिएंसी फुल एफिशिएंसी से वर्क करता है, और फूड प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस उसको कैरी आउट करता है। लेकिन टेम्परेचर राइज करेगा तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो अपना फंक्शन या तो उनका बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगा जो फोटोसिंथेसिस में वर्क करने, या वो बिल्कुल ही डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगे, तो ये इसका इम्पेक्ट आता है। और लीफ फैक्टर्स में एक और है कि प्री मेच्योर लीफ स्नाइसेंस स्टार्ट हो जाती है, स्नाइसेंस से ये होगा कि उसकी लीफ ओल्डर होना शुरू हो जाते हैं और उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है। तो जब लीफ नंबर ऑफ लीव्स ही कम होना शुरू, ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा इसकी कैनोपी में से, तो
एक जो एबिलिटी है उस प्लांट की फोटोसिंथेसिस करने की वो डिक्रीज़ हो जाती है। सेकंड इसमें एक फैक्टर है स्टोमेटल एंड नॉन स्टोमेटल फैक्टर्स का। स्टोमेटल फैक्टर्स में आप जैसे पीछे पढ़ चुके हैं, जब वाटर की शॉर्टेज होती है तो फर्स्ट इम्पैक्ट है कि ट्रांसपायरेशन को रोक दिया जाता है। ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए स्टोमेटा क्लोज होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो इनवर्ड मूवमेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस वो लिमिटेड हो जाती है। ड्यू टू द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ पाती। अगर बाकी कंडीशंस मौजूद हों लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की लिमिटेशन स्टार्ट हो जाए, तो लाइट की प्रेजेंस के बावजूद प्लांट अपनी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाता, जो कि रिडक्शन की तरफ लेके जाता है फोटोसिंथेसिस को। लिमिटेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये लिमिटेशन ऐसी है जो रिड्यूस करेगी फोटोसिंथेटिक रेट। उसके अलावा नेक्स्ट आता है कि रिड्यूस फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कंपोनेंट्स। जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कंपोनेंट्स रिक्वायर हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। जो भी उसके एंटायर प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, उसके जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं उनमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, रिडक्शन है। नेक्स्ट आ जाएगा रिड्यूस्ड, इसमें मोलेकुलर ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन रिक्वायर है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, क्योंकि ट्रांसपायरेशन के साथ साथ उसको रेस्पायरेशन का प्रोसेस भी रन हो रहा होता है, तो प्लांट को अपनी जो एक अवेलेबल ऑक्सीजन की प्रोडक्शन है वो खुद भी नहीं कर रहा, तो वो प्लांट में रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो रेस्पायरेशन का प्रोसेस एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, तो जो एनर्जी उससे प्रोड्यूस होनी है उसमें से कुछ पोर्शन फोटोसिंथेसिस को भी हेल्प करता है। तो ड्यू टू रिडक्शन ऑफ मोलेकुलर ऑक्सीजन और ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, इससे फोटोसिंथेसिस जो है इसका रेट कम होना शुरू हो जाता है। और जब फोटोसिंथेसिस कम होना शुरू होती है तो साथ ही जो रेडियो एक्टिव रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो हैं, जैसे सुपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्सल रेडिकल्स हैं, इनकी प्रोडक्शन जो है एनहेंस होना शुरू हो जाती है। अब ये रेडिकल जो हैं, ये रॉ स्पीशीज जो हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इनका डिट्रीमेंटल इफेक्ट होता है सेल के ऊपर और सेल के कंपोनेंट्स के ऊपर, उसके ऑर्गेनाइजेस के ऊपर। तो रॉस जो है स्पीशीज जो है, ये फोटोसिंथेटिक अपरेटस को स्पेशली थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, साथ साथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और जो उसके एंजाइम्स हैं उनको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। जब ये रॉस स्पीशीज़ प्रोड्यूस होंगी तो इसका इम्पेक्ट नेगेटिव जाता है, और जब प्लांट इनकी वजह से अपनी थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स को कुछ प्लेसेस पे या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को या उसके एंजाइम्स को लॉस करता है, तो जर्नलाइज्ड एक इसका इम्पेक्ट ये आएगा कि फोटोसिंथेटिक रेट फर्स्ट स्टेप में रिड्यूस होगा, और जब इसका इम्पेक्ट रॉस स्पीशी का बहुत बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस बिल्कुल ही रुक जाएगी। और ये जो रॉस स्पीशीज हैं अल्टीमेटली क्या करती हैं, एक क्लोरोफिल कंटेंट्स को डिक्रीज कर देती हैं जो फोटोसिंथेसिस को बिल्कुल ही स्टॉप कर देते हैं। तो ऑक्सीडेटिव डैमेज स्टार्ट हो जाती है क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट इनका जो क्लोरोफिल है वो ड्यू टू दिस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव डैमेज, ये प्लांट को की फोटोसिंथेसिस को स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब क्लोरोप्लास्ट वगैरह डैमेज होता है तो जो जेंथोफिल पिगमेंट्स हैं लाइक जियाजेंथीन एंड एंथ्राजेंथीन, ये इनकी प्लांट में इनकी अकोमुलेशन बढ़ जाती है, इनका नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये इनका अमाउंट जब बढ़ता है तो ये प्लांट को एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तौर पे हेल्प करते हैं, क्योंकि उसके अपने जो जो पिगमेंट्स हैं वो लॉस होना शुरू हो गए, यानी कि क्लोरोफिल जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त प्लांट को कुछ बैकअप चाहिए। जेंथोफिल जो हैं ये स्ट्रेस कंडीशन में डिग्रेड नहीं होते, ये पिगमेंट्स ऐसे हैं कि ये फौरन प्रोटेक्टिव रोल के तौर पे वर्क करते हैं स्ट्रेस कंडीशन में, और इनमें से कुछ पिगमेंट्स जेंथोफिल साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। जेंथोफिल साइकिल से हमने पहले भी डिस्कस किया था, उसके जो जियाजेंथीन या उस तरह की जो प्रोडक्ट्स आती हैं एंथ्राजेंथीन, ये रॉस स्पीशीज जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं उनको डिटॉक्सिफाई करती हैं।
और जब उन्हें डिटॉक्सिफिकेशन उनकी होगी, इनका पर्पस इन जेंथोफिल्स का एक मेजर कंपोनेंट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये है कि ये जेंथोफिल साइकिल के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की को डिटॉक्सिफाई करती हैं। जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज सुपर ऑक्साइड या हाइड्रोक्सल रेडिकल्स डिटॉक्सीफाई होते हैं तो प्लांट के पिगमेंट्स क्लोरोफिल्स वगैरह के लॉस होने का ड्यू टू द ऑक्सीडेटिव डैमेज चांसेस कम हो जाते हैं। सो प्लांट जैसे ही स्ट्रेस से बाहर निकलता है तो उसके डैमेज पोर्शन कम होंगे अगर उसके साथ जेंथोफिल्स की अवेलेबिलिटी हो। तो ये ड्राउट का एक रिस्पॉन्स भी उसमें प्लांट शो करता है ड्यूरिंग ये जेंथोफिल प्रोडक्शन जो है उसका प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स में आ जाता है। नेक्स्ट इसके बाद बेटा है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता? रेस्पायरेशन बेसिकली एक और इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो प्लांट के अंदर मौजूद होगा और ये अनलाइक फोटोसिंथेसिस जैसे है, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है, प्लांट्स इसको स्टॉप करना प्लांट्स के लिए या बिल्कुल ही ख़त्म करना उनके लिए एक लीथल इफ़ेक्ट रखता है, क्योंकि रेस्पायर किए बगैर प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते। सो रेस्पायरेशन अनलाइक फोटोसिंथेसिस नेवर हार्ट्स, कभी नहीं रुकती ये, और ये ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को रिप्रेजेंट करने वाला एक पाथवे है। तो रेस्पायरेशन जो होगी प्लांट्स के अंदर ये कभी स्टॉप नहीं होती, रिड्यूस ज़रूर हो जाएगी सम केसेस में, कंडीशन आ जाती हैं कि क्योंकि उसके लिए जो उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो नहीं अगर मिल रही प्रॉपरली, एरोबिक रेस्पायरेशन नहीं हो रही तो कोई और अल्टरनेट पाथ एनारोबिक पाथवे की तरफ जाएगी, लेकिन रेस्पायरेशन रन ज़रूर होती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, पर्टिकुलरली प्लांट्स के अंदर। तो जो ओवरऑल लिटरेचर में अब तक रिपोर्ट की गई हैं चीज़ें, कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो वाटर स्ट्रेस कंडीशन जैसे ही आती है उनके अंदर रेस्पायरेशन रेट डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है लीव्स में, उनके शूट्स में, रूट्स, फ्लावर्स की स्पेशली एपिक्स जो होती हैं, और सम और कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ड्राउट सीवियर है तो एंटायर प्लांट के अंदर ये रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है ये डिक्रीज़ हो जाएगा। जब रेस्पायरेशन का ये प्रोसेस डिक्रीज़ होगा तो प्लांट की जो एक ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। उसके अलावा कुछ और लिटरेचर में रिपोर्ट है, कुछ और स्पीशीज़ ऐसी हैं जो ड्यूरिंग ड्राउट स्ट्रेस अनइफेक्टेड रहती हैं, वो अपना रेस्पायरेशन रेट डिक्रीज़ नहीं करती अंडर स्ट्रेस कंडीशन, वो अपने रेस्पायरेशन रेट को कंटिन्यू रखती हैं। ड्राउट सेंसिटिव प्लांट्स जो होते हैं रिलेटिवली उनकी को ग्रेटर अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर होती है, सो वो ड्यूरिंग द ड्राउट स्ट्रेस अपनी जो एक कह सकते हो उनको वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए सॉइल से जब उन्हें वाटर एब्जॉर्ब करना हो तो उन्हें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। इस एफर्ट के लिए उन्हें इन सीवियर कंडीशन के अंदर वो बिल्कुल अपनी जो एक कह सकते हैं रेस्पायरेशन रेट उसको स्टॉप नहीं करते। और साथ साथ ही एक और इसमें पाथवे ड्राउट कंडीशन में आता है कि प्लांट्स के अंदर एक और एडॉप्टेशन स्टार्ट हो जाती है कि रेस्पायरेशन डिक्रीज होने का रीज़न एक ये होता है कि जब अवेलेबल मटेरियल मौजूद नहीं है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो रेस्पायरेशन क्या करती है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है ड्यू टू उसकी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है और एटीपी बायोसिंथेसिस जो है ये जो है इसके दौरान ये रेस्पायरेशन रेट जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। तो मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों से कि रेस्पायरेशन डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है ड्यू टू द चेंज इन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड एटीपी बायोसिंथेसिस। इन सिंथेस इस एटीपी की सिंथेसिस जो है जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है जिसे हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, सिक्रेप साइकिल भी कहते हैं, बेसिकली ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग साइकिल है जो प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड कर दें इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज। तो एटीपीज की प्रोडक्शन और फर्स्ट स्टेप ये है कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल उसकी एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है और ओवरऑल उससे जो एटीपी सिंथेसाइज होनी है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो इन दोनों की वजह से इन दोनों इम्पैक्ट या एक ही को दोनों इकट्ठे ही एक तरह के मूव करेंगे, एक के बाद दूसरे पे इम्पैक्ट आता है
ओवरऑल रेस्पायरेशन डिक्रीज हो जाती है, यानी कि क्रैब साइकिल रुकेगा तो एटीपी के बायोसिंथेसिस कम हो जाएगी, या क्रैब साइकिल रिड्यूस होगा तो उससे एटीपी की बायोसिंथेसिस कम होगी, सो रेस्पायरेशन डिक्रीज हुई भी होगी, इससे रेस्पायर प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे प्लांट्स, ये उसका एक इम्पैक्ट है। और सबसे लीथल इम्पैक्ट आता है जब रेस्पायरेशन कम होना शुरू हो जाती है, रेस्पायर प्रॉपरली प्लांट नहीं कर पाते, तो उस वक्त जैसे हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं फोटोसिंथेसिस भी हाल्ट हुई हुई है, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्लांट में मूव कर रही होती हैं, तो रेस्पायरेशन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जब प्रोड्यूस होती हैं, रॉ स्पीशीज प्रोड्यूस होती हैं, तो वो उस माइटोकॉन्ड्रिया को या उसकी कह सकते हो एज अ सेलुलर कंपोनेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे सेलुलर कंपोनेंट्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, और ये डैमेजिंग इफेक्ट प्लांट के सर्वाइवल के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे बेटा मिनरल न्यूट्रिशन की तरफ। मिनरल न्यूट्रिशन क्या होती है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे मिनरल्स उसकी बॉडी के बिल्डअप में ज़रूरत हैं, सारे का सारा फूड पे डिपेंड नहीं करती प्लांट की बॉडी का स्ट्रक्चर, क्योंकि उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स में और चीज़ें भी ऐड होनी है, नाइट्रोजन चाहिए उसको फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ, फॉस्फोरस चाहिए उससे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए, और इसके अलावा फास्फोरस उसके जेनेटिक मटेरियल का पार्ट है, नाइट्रोजन उसके जेनेटिक मटेरियल का पार्ट है, तो नए सेल्स बनेंगे तो नए सेल डिवीजन के लिए नाइट्रोजन फास्फोरस मुख्तलिफ पार्ट्स में रिक्वायर है, इस तरह पोटाशियम उसको इम्यूनिटी के लिए चाहिए, और बहुत सारे ऐसे मटेरियल है कैल्शियम पोटाशियम वगैरह आयन एक्सचेंज के लिए जो रिक्वायर होते हैं, उन सब मिनरल्स की अवेलेबिलिटी जो है प्लांट को होनी चाहिए, लेकिन ड्यूरिंग ड्राउट स्ट्रेस ये मिनरल न्यूट्रिशन इसके ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट आता है, मिनरल न्यूट्रिशन जो होते हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, और आयन और से आयनिक होम्योस्टेसिस जो प्लांट के अंदर आयंस का एक बैलेंस है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, वो डिस्टर्ब्ड होना शुरू हो जाता है, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, अंडर दीज कंडीशंस प्लांट्स की सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। सो वाटर स्ट्रेस कंडीशन न्यूट्रिएंट्स के ऊपर किस तरह लिमिटेशन लेके आती है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, कौन से बढ़ते हैं, कौन से अनइफेक्टेड रहते हैं, ये अगर हम डिस्कस करते हैं, वाटर स्ट्रेस कंडीशन लिमिट कर देती हैं टोटल न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इन सॉइल, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी को कम कर देते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की अपटेक वाटर के साथ लिंक होती है, हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वाटर के साथ मूव करते हैं, कुछ सॉल्युबल होके कुछ अनसॉल्युबल कंडीशन में, लेकिन वाटर के साथ उनकी मूवमेंट एसोसिएट होती है, वाटर के बगैर उनकी मूवमेंट नहीं होती, सो टोटल न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी जो सॉइल के अंदर, क्योंकि वाटर नहीं है तो वो न्यूट्रिएंट्स रूट्स को अवेलेबल नहीं होंगे। सेकेंडली डिक्रीज द न्यूट्रिएंट अपटेक बाय रूट्स उन न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली अपटेक नहीं कर पाते, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये दोनों चीज़ें साथ आ गई, और रिड्यूस न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन इन प्लांट टिश्यू, जब टोटल न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी सॉइल में नहीं होगी, प्लांट्स की रूट्स उसे अपटेक प्रॉपर नहीं कर पाएंगी, उसमें उनके अपटेक करने की एबिलिटी में कमी आएगी, डिक्रीज हो जाएगी वो, तो उससे न्यूट्रिएंट्स कंसंट्रेशन जो प्लांट्स के टिश्यूज़ में लीव्स टिश्यूज़ में यानी कि स्टेम्स में लीव्स के टिश्यूज़ में किसी जगह पर जहाँ जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और न्यूट्रिएंट्स कंसंट्रेशन रिड्यूस होने का मतलब ये है कि प्लांट अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस को प्रॉपरली कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। उसके बाद बेटा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसके कुछ एविडेंस डिस्कस कर लेते हैं, जब ड्राउट स्ट्रेस आती है तो उससे जो नाइट्रोजन है उसकी अपटेक बढ़ना शुरू हो जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है, वाइल जो फास्फोरस है उसकी कंसंट्रेशन प्लांट के अंदर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, ड्यूरिंग ड्राउट स्ट्रेस नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन प्लांट के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है और फास्फोरस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, इसी तरह जो होते हैं उसके कैल्शियम कंटेंट्स ऑफ प्लांट्स वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो अपटेक नहीं हो पा रहे होते, और पोटेशियम मोस्ट कॉमनली अनअफेक्टेड रहता है, बहुत सारे केसेस में ये ऑब्जर्व किया गया है कि ड्यूरिंग ड्राउट स्ट्रेस पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है प्लांट के अंदर अनअफेक्टेड रहती है, इतना ज़्यादा उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता। नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट जो पोर्शन है वो हार्मोन बैलेंस से रिलेटेड है, ड्राउट स्ट्रेस का हार्मोन्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, सेल के अंदर जो हार्मोन्स हैं
वो किस तरह इम्पैक्ट होते हैं। तो ड्राउट स्ट्रेस का सलिनिटी के अंदर जो एक बहुत ही कॉमन सा जो हार्मोन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है, जिसे स्ट्रेस हार्मोन के तौर पर भी लिया जाता है, वो एब्सिसिक एसिड है। और ये बहुत इफ़ेक्टिव हार्मोन है, हमेशा इसकी प्रोडक्शन की साइड जो कि रूट्स में होती है और रूट्स से ये लीव्स की तरफ मूव करता है। सो एब्सिसिक एसिड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव हार्मोन्स इन प्लांट रिस्पॉन्स टू ड्राउट स्ट्रेस। ड्यूरिंग ड्राउट स्ट्रेस जब वाटर की शॉर्टेज होती है, ड्यूरिंग सलिनिटी जब वाटर की शॉर्टेज होती है, तो वाटर की शॉर्टेज के रिस्पॉन्स में एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अब ये करता क्या है ड्यूरिंग ड्राउट स्ट्रेस? सबसे पहले तो है कि सिंथेसाइज होता है रूट्स के अंदर। जब ये रूट्स के अंदर सिंथेसाइज होगा तो ये ट्रांसलोकेट करता है शूट्स की तरफ और स्पेशली लीव्स की तरफ जाता है, और लेटर स्टेजेस पे लीव्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये डायरेक्टली प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ओके अब होता क्या है कि जब ये एब्सिसिक एसिड लीव्स के तक पहुँच तक ट्रांसलोकेट होता है, तो कई दफ़ा ड्यूरिंग ड्राउट स्ट्रेस जो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एटीपीएज एक्टिविटी डिक्रीज हो चुकी होती है ड्यू टू वाटर डेफिशिएंट कंडीशन। सो लो एटीपी सप्लाई ड्यू टू लेस फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो होगा वो एपोप्लास्टिक सेल वॉल पीएच क्रिएट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी कि फिर मैं इसको रिपीट करूँगा, एटीपीएज एक एक्टिविटी स्टार्ट जो है वो डिक्रीज हुई भी होती है ड्यू टू वाटर अवेलेबिलिटी। तो लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एटीपीएज एक्टिविटीज़ की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी अंदर जो एटीपीएज की एक्टिविटी कम जब होती है तो उसमें एपोप्लास्टिक पीएच जो है उसमें इंक्रीज़ आता है। जो एपोप्लास्टिक पीएच जब चेंज होती है तो वो क्या करती है, वो एब्सिसिक एसिड को कन्वर्ट करती है एब्सिसिक आयन में। ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा? एब्सिसिक आयन में कन्वर्ट होगा, और जब वो एब्सिसिक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पास ऑन नहीं कर सकता। इस मैकेनिज्म को ज़रा गौर से समझिएगा, ड्यूरिंग ड्राउट स्ट्रेस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एटीपीएज है एक्टिविटी है वो लो होती है, उसके लो होने की वजह से जो एपोप्लास्टिक पीएच है इंक्रीज़ हो जाती है। ये इंक्रीज़ इन पीएच क्या करता है, एब्सिसिक एसिड जो रूट से ट्रांसलोकेट होकर लीव्स की तरफ आ रहा है उसे एब्सिसिक एसिड आयन में कन्वर्ट कर देता है, और ये आयन एब्सिसिक एसिड आयन जो हैं ये पास ऑन नहीं कर सकते, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास क्रॉस नहीं कर सकते। सो ये लीफ सेल्स के अंदर जाने के बजाय ये ट्रांसलोकेशन इनकी स्टार्ट हो जाती है गार्ड सेल्स की तरफ, गार्ड सेल्स ऑफ द स्टोमेटा उनकी तरफ मूव करते हैं। उनकी तरफ जाने के बाद ये क्या करेंगे, ये आयंस उनके अंदर जाके जो लीव्स के स्टोमेटा हैं, एब्सिसिक एसिड ट्रांसलोकेशन जब स्टोमेटा के अंदर होगी तो स्टोमेटा के अंदर जाने के बाद ये आपको जैसे पिक्चर ये नज़र आ रही होगी कि इनमें जब मूव होता है एब्सिसिक एसिड तो ये स्टोमेटा को क्लोज करना शुरू कर देते हैं। तो स्टोमेटल क्लोजर जो है ये कंट्रोल करता है एब्सिसिक एसिड, ताकि प्लांट का जो ट्रांसपायरेशन रेट है वो कम हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो लो एनर्जी एक्सपेंस पे चल रहा है, उसके अंदर ये चीज़ सेंस हो जाती है। एब्सिसिक एसिड का आयन में कन्वर्ट होना एक मैकेनिज्म है जो एक उसका को ट्रिगर करता है एक सिग्नल के तौर पर कि यहाँ पर हमारे पास वाटर डेफिशेंसी है। सो एब्सिसिक एसिड एज अ आयन फॉर्म में जाके के गार्ड सेल्स के अंदर उनको फ्लैसिड कर देता है, और उनसे जो वाटर है उसको मूव करवा देता है। वाटर मूव होने की वजह से वो उनका स्टोमेटा क्लोज होना शुरू हो जाता है। सो प्लांट के अंदर वाटर की जो एक कह सकते हैं प्रॉपर यूज़ स्टार्ट हो जाता है, ताकि वो लेस वाटर जो है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू जाए और प्लांट उसके अंदर सरवाइव कर सके। इसके बाद फर्दर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट एब्सिसिक एसिड की है, कि एब्सिसिक एसिड ड्राउट कंडीशन के अंदर एथाइलीन प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करता है। एथाइलीन गैस जो है, जैसे एथिलीन गैस भी कहते हैं, एथाइलीन गैस जो है
इसका मेजर फंक्शन है सिनेसेंस क्रिएट करना, यानी कि एजिंग की तरफ लेके जाना, प्री मेच्योर एजिंग की तरफ लेके जाना प्लांट को। रूट स्ट्रेस में एथाइलीन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, लेकिन जब ये प्रोडक्शन बढ़ रही होती है तो एब्सेसिक एसिड उसको इसकी प्रोडक्शन को रोकता है, और प्री मेच्योर सिनेसेंस की तरफ जाने से एक लीव्स को या प्लांट को रोकता है। अगर एथाइलीन की प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी तो उससे प्लांट जल्दी से जल्दी डेथ की तरफ जाएगा या अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा और मर जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट की लाइफ लॉस हो सकती है। तो प्री मेच्योर सेनेसेंस से बचने के लिए एक मैकेनिज्म है कि एब्सेसिक एसिड उस एथाइलीन की प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दे, ताकि प्लांट्स जल्दी से सेनेसेंस की तरफ ना जाएं और अपना वो लाइफ साइकिल कंप्लीट करें प्रॉपर वे से। इसके अलावा एब्सेसिक एसिड जो है उसके एक और इम्पॉर्टेंट रोल है रेगुलेशन ऑफ एक्वाप्योरेंस एक्टिविटी, जो के वाटर पोर्स हैं, वाटर अपटेक करने वाले पोर्स होते हैं, उनकी जो एक्टिविटी है उसको भी रेगुलेट किए रखते हैं, उसको स्टॉप होने से रोकते हैं। और ड्यूरिंग ड्राउट साइज कुछ और हार्मोन्स हैं जिनमें एंडोजीनियस साइटोकाइनिंस हैं, जिसमें जियाटीन्स हैं, और जिब्रेलिन्स में जिब्रेलिक एसिड है, जिब्रेलिन में GA3 पर्टिकुलर टाइप का हार्मोन है, उनका लेवल प्लांट के अंदर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, पर्टिकुलरली सीड्स के अंदर, और सीड डॉर्मेंट होना शुरू हो जाते हैं। और ये इनकी का लेवल कम होने का मतलब ये है कि वो जर्मिनेट नहीं करेंगे और वेट करेंगे कि ड्राउट कंडीशन ओवर हो और फिर वो जर्मिनेट करें। तो ये प्लांट के अंदर भी डिक्रीज़ करते हैं, और जब ताकि वो नई बर्ड्स ना बना सके और उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, और इस तरह ये उसके सीड के अंदर भी ये इनका हारमोन्स का लेवल डिक्रीज़ कर जाता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इंक्रीज़ करता है ड्यूरिंग द ड्राउट स्ट्रेस, वो है ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स। इनकी अकोमोलेशन स्टार्ट हो जाती है। ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स जो हैं बेसिकली ये सिक्स क्लास है प्लांट हारमोन्स की के तौर पर से रिकग्नाइज किया गया है। ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग द ड्यूरिंग ओके। तो ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स जो हैं ये तीन काम करता है प्लांट्स इसकी प्रोडक्शन इसकी जब अकोमोलेशन प्लांट स्टार्ट होती है। तो पहला ये कि वाटर की अपटेक को इंक्रीज़ करता है। सेकेंडली ये जो मेम्ब्रेन्स की स्टेबिलिटी है उसकी तरफ लेके जाता है, और आयन लीकेज को रोकता है। तीन काम ये कौन से करेगा ब्रेसिनोस्टेरॉइड, ये आयन लीकेज को रोकेगा, मेम्ब्रेन्स को स्टेबलाइज करेगा, और वाटर अपटेक को इनहेंस करेगा। सो ये एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तौर पे ये हार्मोन की सिक्स क्लास जो है इंड्यूस होती है। ये इसके अलावा ये ब्रेसिनोस्टेरॉइड प्लांट्स के अंदर जो पाए जाते हैं इनके और भी बहुत सारे रोल्स हैं, कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, बहुत कई ऐसे प्लांट स्पीशीज़ हैं जो कार्सिनोजेनिक स्पीशीज़ हैं उनके अंदर ये बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ तक थे बेटा ड्राउट स्ट्रेस के इफ़ेक्ट्स। उसके बाद हम आगे चलते हैं प्लांट्स के रिस्पांस की तरफ, तो उसको जल्दी से मैं ओवरव्यू करवाता हूँ कि जब भी प्लांट्स के ऊपर कोई स्ट्रेस आती है तो प्लांट्स रिस्पांस कैसे करते हैं उस स्ट्रेस को। अब कोई ना कोई तो रिस्पांस शो करना है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा स्ट्रेस को, स्ट्रेस कंडीशन को। जैसे आजकल COVID-19 की स्ट्रेस लोगों के सरों पर छाई हुई है, कई लोग उस स्ट्रेस की वजह से इन्फेक्ट हुए बगैर भी, कई लोगों को मैंने ऐसी बातें सुनी है कि वो इतने स्ट्रेस में थे कि वो हार्ट अटैक से इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। सो स्ट्रेस कंडीशन जब प्लांट्स पे आती है तो प्लांट्स की को डेथ की तरफ ही फाइनली ले जाएगी अगर वो बहुत ज़्यादा सीवियरिटी रखेगी। तो प्लांट को कुछ सोचना पड़ेगा उस स्ट्रेस का, तो स्ट्रेस के लिए प्लांट रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इसमें आती है कि प्लांट्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा वाटर डेफिशिएंट कंडीशन में, पॉसिबली उसे अपनी फिजियोलॉजिकल जो फिजियोलॉजी है उसको चेंज करना पड़ेगा, या मॉर्फोलॉजिकल जो उसके फैक्टर्स हैं उनमें कुछ चेंज लेके आए, फिनोलॉजिकल जो उसके रिप्रोडक्टिव फेजेस हैं उसके फ्लावर या फ्रूट प्रोड्यूस करने की एबिलिटीज उनमें चेंज लेके आए, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ जो हैं उसके जो उसके एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें थोड़ी बहुत अल्टरेशन लेके आई, और कई दफ़ा मोलेकुलर रिस्पांस उसको देना पड़ता है मोलेकुलर लेवल पे ताकि वो उस रिस्पांस को कंट्रोल कर सके। तो स्ट्रेटजीज को समराइज़ करते हैं हम तीन सब सेक्शंस के ऊपर ही, कौन सी थ्री टाइप स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं प्लांट्स। पहली है बेटा इसमें एस्केप, सेकेंड वन अवॉइडेंस,
थर्ड वन टॉलरेंस, ये तीन तरह की एक्टिविटीज़ हम अभी डिस्कस करेंगे। कोशिश करता हूँ कि विद इन 5 मिनट्स ये कंप्लीट करूँ। तो उसमें एस्केप, अवॉइडेंस और टॉलरेंस, ये तीन तरह की स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट करते हैं प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू ड्राउट स्ट्रेस। तो पहले इसमें हम सबसे पहले एस्केप की तरफ आएंगे। जब भी ड्राउट स्ट्रेस आती है तो प्लांट्स ने उस ड्राउट स्ट्रेस से बचना है। जैसे ही ड्राउट स्ट्रेस आएगी भागना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा वहाँ से, उस कंडीशंस के अंदर से। तो प्लांट्स तो मोटाइल नहीं होते कि वहाँ से भाग नहीं सकते, लेकिन उन्हें कुछ और ऐसे मैकेनिज्म है कि वो उस ड्राउट पीरियड से एस्केप कर सकें। वो एस्केप कैसे करते हैं? तो एस्केप में आया जाएगा, सबसे पहला स्ट्रेटजी ये है कि वो अपना लाइफ साइकिल शॉर्टन कर देंगे। एस्केप करने का मतलब ये भागना है कि बिफ़ोर ड्राउट आए उस के अराइवल से तक वो वेट करें कि वो आ रही है, ड्राउट आएगी, उसको देखेंगे, उससे खेलेंगे और फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे, सोचेंगे क्या करना है। तो जो प्लांट्स किसी पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करते हैं तो वो खुद को अडॉप्ट इस तरह कर लेते हैं उस ड्राउट के रिस्पांस को कि जब ये वाटर शॉर्टेज कंडीशन आनी है तो वो क्या करते हैं, अपने लाइफ साइकिल को शॉर्ट कर लेते हैं। कई ऐसे प्लांट स्पीशीज़ हैं जो सीजनली ग्रो होना शुरू हो जाती हैं, जिनमें एनुअल्स मौजूद हैं, जैसे विंटर एनुअल्स हैं, वो विंटर में ग्रो करते हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी ठीक होती है, विंटर तक ग्रो करते हैं, समर आता है तो वो हाई टेम्परेचर पे कई ऐसे हैं वो ग्रो कर सकते हैं, कुछ उसमें हैं, लेकिन वो लो वाटर कंडीशन में नहीं ग्रो कर पाते तो डेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सो सीजनली ग्रो करके अपना सीड प्रोड्यूस करके एंड हो जाते हैं, ठीक है। वो अपना नया नई प्रोजेनी के सीड्स वगैरह प्रोड्यूस करेंगे और ड्राई हो जाएंगे। ये उनका एक एस्केप का प्लान है जो एस्केप करते हैं ड्राउट्स एस्केप में। और कह सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि वो फिनोलॉजिकल डेवलपमेंट चेंज करते हैं। फिनोलॉजिकल डेवलपमेंट मैं पहले बता चुका हूँ, फिनोलॉजी उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, फ्लावर्स की ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट और फ्रूट्स की ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट को हम फिनोलॉजी कहते हैं। तो फिनोलॉजिकल जो डिवेलपमेंट्स हैं उनके अंदर वो चेंजेस लेके आते हैं और उसको मैच कर लेते हैं सॉइल मॉइस्चर कंडीशन, अवेलेबल मॉइस्चर कंडीशन पे वो उनको कंप्लीट कर लेते हैं बिफोर द अराइवल ऑफ ड्राउट। तो ये उनका एक एस्केप मैकेनिज्म है, बहुत सिंपल सा है, आपको आई होप के समझ आ गया होगा। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं अवॉइडेंस की तरफ। आपको ड्राउट स्ट्रेस आई हुई है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के ये एस्केप जो है ये सब पार्ट है, जनरली इसको हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ अवॉइडेंस स्ट्रेटजी का ही हिस्सा है। एस्केप भी एक अवॉइडेंस स्ट्रेटजी का ही एक हिस्सा है। सो थोड़ा सा डिफरेंस है एस्केप और जनरल अवॉइडेंस में, कुछ और भी चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए एस्केप को सेपरेट थोड़ा किया कि ये अपना जब प्लांट अपना लाइफ साइकिल शॉर्ट करता है तो वो एस्केप कहलाएगा, लेकिन ये भी अवॉइडेंस का एक मैकेनिज्म है। तो अवॉइडेंस की फर्दर और जो टाइप्स हैं इसमें क्या होता है कि प्लांट्स का इसमें ये इम्पोर्टेंट एम होगा या उसका गोल होगा कि स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए हाई वाटर पोटेंशियल जो है प्रिजर्व कर सके, अपने प्लांट अपनी बॉडी के अंदर वाटर के पोटेंशियल को मेंटेन रखे, क्योंकि ड्राउट में सबसे इम्पोर्टेंट है वाटर पोटेंशियल। वो जब लॉस करता है तो बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो वाटर पोटेंशियल को मेंटेन रखेंगे प्लांट्स, वो कैसे मेंटेन करेंगे, बाय रिड्यूसिंग वाटर लॉस फ्रॉम प्लांट्स, बाय स्टोमेटल कंट्रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटल कंट्रोल जो होगा, स्टोमेटा का क्लोजर जो है, इस कब उसे क्लोज करना है, ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करना है ताकि बाकी मैकेनिज्म चलते रहें, ये अवॉइडेंस मैकेनिज्म में आ जाता है उसकी जो उसके चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद मेंटेनिंग वाटर अपटेक फ्रॉम सॉइल बाय एन एक्सटेंसिव एंड प्रोलिफिक रूट सिस्टम, यानी कि वो अपने वाटर अपटेक को बढ़ाने के लिए वो अपनी रूट्स को एक्सटेंड की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, एक ब्रांच्ड रूट सिस्टम क्रिएट कर लेते होते हैं। ये मेंटेन करना एक अवॉइडेंस मैकेनिज्म है ताकि अगर ड्राउट आती है तो वो ड्राउट से पहले पहले उनके पास इतना एक्सटेंसिव रूट सिस्टम हो कि वो फार अवे वाटर को भी एब्जॉर्ब कर सकें। उसके बाद थर्ड वन आता है, क्यूटिकल एंड हेरी लीव्स हेल्प टू मेंटेन हाई टिश्यू वाटर पोटेंशियल विद इन प्लांट। क्यूटिकल लेयर्स को वो थिक करना शुरू कर देते हैं, हेरी लीव्स जो होते हैं लीव्स का साइज छोटा कर देना, बारीक करके वो हेरी लीव्स में कन्वर्ट कर लेना, तो उससे सरफेस एरिया कम हो जाता है, ट्रांसपायरेशन के लॉसेस कम हो जाते हैं, सो वो टिश्यू के अंदर वाटर पोटेंशियल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। मोस्ट कॉमनली जो डेजर्ट प्लांट स्पीशीज़ हैं उनके अंदर हेरी लीव्स और थिक क्यूटिकल लेयर्स पाई जाती हैं जो हेल्प करती हैं उनको
उनके टिश्यूज़ के अंदर वाटर को मेंटेन रखने के लिए और वाटर लॉस को रोकती हैं, लेस ट्रांसपायरेशन की तरफ में उनकी लाइफ के सर्वाइवल को पॉसिबल बनाती हैं। और लास्ट वन है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होती है, आप लोग पहले भी पता है कि एक रेजिस्टेंस हमने पढ़ी थी और टॉलरेंस पढ़ी थी, ससेप्टेबिलिटी पढ़ी थी। ससेप्टेबल प्लांट्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, जो किसी भी स्ट्रेस को टॉलरेट नहीं कर पाते, वो उसके आगे सरेंडर कर देते हैं, उनकी इमीडिएटली वो उस स्ट्रेस की भेंट चढ़ जाते हैं, डेथ हो जाती है या जो भी उनमें एडवर्स इम्पेक्ट आ सकता होगा। पर टॉलरेंट प्लांट स्पीशीज वो होती हैं जो उस स्ट्रेस कंडीशन में सर्वाइव करती हैं और उन कंडीशन में अडाप्ट करने की कोशिश करती हैं। तो ये टॉलरेंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि लिमिटेड नंबर एंड लीफ एरिया। प्लांट्स की स्ट्रेटजी ड्रॉट रेजिस्टेंस की तरफ रहती है कि वो अपने लीफ का नंबर, नंबर ऑफ लीव्स और उसका एरिया लिमिट करना शुरू कर देते हैं। जैसे बहुत सारे प्लांट स्पीशीज़ में है कि वो अपना लीफ का नंबर कम करेंगे, उसका एरिया रिड्यूस करेंगे, तो उससे ट्रांसपायरेशन रिड्यूस होगी, तो कि इससे यील्ड कम हो जाती है। टॉलरेंट स्पीशीज़ जो होती हैं उनकी यील्ड एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कंडीशन में ग्रो होने वाली स्पीशीज़ से कम होती है, और ये टॉलरेंट स्पीशीज़ अगर नॉर्मल कंडीशन में ग्रो करें तो अच्छी यील्ड देती हैं, तो इससे उनकी प्रोडक्शन ज़रूर कम होती है लेकिन वो सर्वाइव करती हैं उन कंडीशन में। इसके अलावा ज़ीरो मॉर्फिक ट्रेट्स उनके अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, लाइक हेरी लीव्स आ जाते हैं या उनके अंदर ट्राइकोम्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है दोनों लीव्स के दोनों साइडों की तरफ। ये ट्राइकोम्स बेसिकली हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लीव के ऊपर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, तो ये उसको जिसकी वजह से उनकी ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। ट्राइकोम्स के अंदर कई दफ़ा ये होता है कि जब ट्रांसपायरेशन होती है तो हेयरी लीव्स होने की वजह से जो वाटर वेपर्स एवेपोरेट करते हैं वो इन हेयरी सर्फेसिस के अंदर रुक जाता है। जो वाटर वेपर्स एवेपोरेट होकर प्लांट में से निकलते हैं तो इन हेयरी सर्फेस में रुके रहते हैं, जिसकी वजह से लीव्स थोड़े सोगी सोगी हो जाते हैं। जब वो सोगी होंगे तो ऑटोमेटिकली बाहर की इन्वायरमेंट जब ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाती है, एक नेचुरल मैकेनिज्म है, तो ट्रांसपायरेशन रुकती है। तो ट्राइकोम्स के अंदर वाटर का रुकना, वेपर्स का रुकना जो होगा जो वाटर पोटेंशियल को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, तो ये टॉलरेंस मैकेनिज्म में है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा एक और टॉलरेंस मैकेनिज्म, ये क्योंकि टॉलरेंस बेसिकली बेस करती है उनके जेनेटिक रेगुलेशन के साथ। तो चेंजेस इन रूट ग्रोथ रेट, रूट की ग्रोथ को उनका रेट जो है वो चेंज होना है, वो उसे इलांगेट करना शुरू करते हैं, उसकी डेंसिटी बढ़ाते हैं, रूट्स को डीपर पार्ट तक भेजने की एबिलिटी जो है ये उनकी टॉलरेंस में आ जाएगी, उसकी डेंसिटी बढ़ाएंगे, उसे प्रोलिफरेट करवाएंगे और उसका साइज़ को इंक्रीज करेंगे ताकि वो ब्रांचिंग की फॉर्म में हो, उसका साइज़ बढ़े, वो ग्रोथ बढ़े ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अपटेक कर सके प्लांट। अकोमोलेशन ऑफ कंपेटेबल सॉल्यूट्स एंड ऑस्मोटिक एडाप्टेशन, जो कंपेटेबल सॉल्यूट्स रिक्वायर हैं जो वाटर लॉस को कम से कम क्रिएट करेंगे, वाटर लॉस से कम हो, तो सॉल्यूट एडाप्टेशन आती हैं, ऑस्मोटिक एडाप्टेशन आना शुरू हो जाती हैं। जैसे आपको याद होगा कि वो बहुत सारी ऐसी एंटी फ्रीज प्रोटीन्स और इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ी थी फ्रीजिंग स्ट्रेस में, तो यहाँ पे ड्राउट स्ट्रेस में भी ऐसे मटेरियल्स और ऐसी प्रोटीन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं जो क्या करती हैं, सॉल्यूट्स के पोटेंशियल को और ऑस्मोटिक एडाप्टेशन में हेल्प करती हैं, और ये उनके जेनेटिक मेकअप में होगा तो होगा, तभी उसे अडॉप्ट कर पाएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ एन एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम, एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम प्रोड्यूस करेंगे, फिनोल्स वगैरह प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे ताकि वो बनने वाले रॉ स्पीशीज़ को, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो हैं उनको कंट्रोल कर सकें, क्योंकि वो डैमेजिंग इफेक्ट करती हैं ऑर्गेनेल्स को और सेल कंपोनेंट्स को, वो डैमेज करती हैं, तो उससे बचने के लिए उन्हें एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम को यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद अल्टरेशन इन मेटाबॉलिक पाथवेज, मेटाबॉलिक पाथवेज जो हैं वो रन होना शुरू होते हैं, तो उन पाथवेज को जो में जब ड्राउट स्ट्रेस वगैरह आती है तो या तो वो रिड्यूस हो जाते हैं या हाल्ट करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल स्टॉप होना शुरू हो जाए, जैसे फोटोसिंथेसिस रुक रही है या रेस्पायरेशन रुक रही है, तो उसके अल्टरनेट मेटाबॉलिक पाथवेज, अगर एरोबिक रेस्पायरेशन रुक रही है तो एनएरोबिक रेस्पायरेशन की तरफ मूव करना है फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, तो प्लांट उसकी तरफ मूव करेगा, अल्टरनेट पाथ उसका कोई ना कोई अडॉप्ट करेगा। और रूट शूट रेशियो इस कंडीशन में इंक्रीज की होती है, ये टॉलरेंस में आता है ताकि वो अपना कंप्लीट बायोमास प्रोड्यूस कर सके, ताकि उसकी प्रोडक्शन जो उसके अंदर आनी है उसको जितना मैक्सिमम वो प्रोड्यूस कर सकता है ड्राउट स्ट्रेस वो करेगा।
और लास्टली क्लोजर ऑफ स्टोमेटा जो है ये भी टॉलरेंस है का मैकेनिज्म है जो उसके जेनेटिकली रेगुलेट होता है, जीन के रेगुलेशन का मैकेनिज्म है कि वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं। बहुत ही ये फाइनल टॉलरेंस मैकेनिज्म है कि वो अपने स्टोमेटा को क्लोज करे, लेकिन उससे पहले बाकी अडॉप्टेशन की तरफ वो कोशिश करेगा। अगर वो कर लेता है तो एंड में स्टोमेटा को क्लोजर की तरफ जाएगा ताकि वाटर लॉस कम से कम हो और वाटर के अंदर वाटर पोटेंशियल प्लांट के अंदर वाटर पोटेंशियल। तो कंक्लूसिव एक पिक्चर है मैं आपको सेंड कर दूंगा जिसमें ड्राउट स्ट्रेस से रिलेटेड सारी बातें दी हुई हैं, इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स क्या हैं, सिम्टम्स कौन कौन से हैं, प्लांट रिस्पॉन्स कैसे करता है, रेजिस्टेंस मैकेनिज्म क्या हैं, उसके कॉजेज़ क्या हैं, ड्राउट टॉलरेंस कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, उसकी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज क्या हैं, एक सारी सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। तो ये पार्ट टू था आप लोगों के लेक्चर का। इंशाल्लाह बाकी जो हैं चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नया टॉपिक इंशाल्लाह आएगा अपकमिंग डेज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।